आज पाठशाला में बताएंगे कि कैसे पीएम की पहल ने पिछले कुछ सालों में भारतीय रेल का कायाकल्प कर दिया है। पहले उन परियोजनाओं की झलक देखिए जिनका आज पीएम मोदी ने रेलवे के विकास के लिए एक साथ सैकड़ों परियोजनाओं का शिलान्यास किया और रिकॉर्ड बना दिया। रेलवे के विकास के लिए 41,000 करोड़ की परियोजनाएं लाई गई, 2,000 परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास हुआ, 2,553 अमृत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा, 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास हुआ, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजनाएं बनी। पीएम मोदी ने जिस अमृत स्टेशन योजना के तहत देश के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की परियोजना की शुरुआत की है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए इस योजना के शुरू होने से रेलवे स्टेशन की तस्वीर किस तरह बदल जाएगी। एक बार रीडेवलपमेंट का काम पूरा होने पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह का नजर आएगा। रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन के चारों तरफ एलिवेटेड रोड का कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन में 4 मंजिल वाला रूफ प्लाजा होगा जिसमें यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। अब देखिए कि रीडेवलपमेंट के बाद अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन कैसा नजर आएगा। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को मोढ़ेरा सूर्य मंदिर जैसा डिजाइन किया गया है। यहां भी स्टेशन तक पहुंच आसान बनाने के लिए एलिवेटेड रोड कॉरिडोर तैयार होगा, यानी आपको लगेगा कि कहीं अलग ही जगह आ गए। रेलवे के विकास का ही नहीं, पीएम मोदी तो विकसित भारत का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर चुके हैं और पीएम मोदी को पूरी उम्मीद है कि देश की जनता उनके संकल्प को पूरा करने के लिए उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में जीत दिलाएगी। इसलिए विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के वक्त पीएम मोदी ने तीसरे टर्म का भी जिक्र किया। एक बार सुनिए पीएम मोदी को, फिर आगे की बात। आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। पीएम मोदी ने रेलवे के विकास को लेकर जो संकल्प लिया है उसकी वजह से पिछले 10 सालों में यानी देश में मोदी सरकार आने के बाद क्या बदलाव आए हैं उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। पिछले 10 सालों में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा नई रेल लाइन का निर्माण किया जा चुका है। इस दौरान करीब 40,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, यानी इन लाइंस में बिजली से चलने वाली ट्रेनें चलने लगी। इसके साथ ही 6,000 स्टेशन्स पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा शुरू हो चुकी है। यही नहीं, 2,500 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है जिससे माल की ढुलाई में तेजी आई है। इसके अलावा रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं वाली हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है और अब एक साथ 2,000 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। सोचिए, ये वो रेलवे जिसको लोग कहते थे कि बर्बाद है, क्या है, तो नुकसान देता है, उसको आगे ले जाने की दिशा में कितना बड़ा कदम है।